दूसरा हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, जब बच्चे में विवेकशील का विकसित हो जाए तब उसको समझदारी से और विचार विमर्श से और बहस से और तर्क से और दलील से लॉजिक से प्ली से समझाना चाहिए हमको। जो बच्चे 20 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, उनके साथ में सख्ती के आने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा बागी होने लगता है 18 19 साल के उनकी उम्र के बाद में लड़के बागी होने लगते हैं, आप ज्यादा कहेंगे सख्त सुस्त कहेंगे तो आपको धमकी देने लगेंगे और घर से निकलने की और घर खाने की और आत्महत्या करने की ज्यादा क्या धमकी देने लगेंगे। इसलिए उस समय वो समझदारी की पीरियड आ जाता है, लेकिन वो छोटी उम्र उसमें बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 11 साल का है, अगर आपने सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया तो बच्चा अभ्यस्त हो जाएगा और माँ बाप का अनुशासन मानने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर वो अनुशासन से बाहर नहीं जाएगा। आपने पहले दिया छूट, फिर जब 19 साल का हो गया तो आप उसको नियंत्रण में लाना चाहते हैं, क्या नियंत्रण आएगा? तो वो नियंत्रण आएगा नहीं, आपको मारेगा और भैया आएगा तो मरेगा, अब तो नियंत्रण आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को शिक्षण करने वाली पद्धति के बारे में लोगों को आगाही करनी चाहिए और जानकारी करनी चाहिए। बच्चों के स्वभाव, बच्चों के स्वभाव और संस्कारों को बनाने के लिए हमको घर में से उनको प्राथमिक शिक्षण देना चाहिए। बच्चों के भीतर सफाई की व्यवस्था और उसकी मैनेजमेंट की व्यवस्था, सफाई और मैनेजमेंट की व्यवस्था प्राथमिक दिन से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो पब्लिक स्कूलों में पसंद सिखाई जाती है उससे ज्यादा तो आप अपने घर में सिखा सकते हैं। आप अपने घर में सफाई रखिए। जो है ये आदमी की सभ्यता की निशानी है। सभ्यता की प्राथमिक निशानी क्या है? सफाई। आपको बात याद होनी चाहिए कि सुपराज के पास एक दिन एक व्यक्ति गया और ये कहने लगा हमको ब्रह्म विद्या सिखा दीजिए। उन्होंने उसके चेहरे को देखा, उन्होंने कहा अच्छा तो ब्रह्म विद्या का पहला पाठ तो हम तुमको भी पढ़ाई देते हैं, उनका पढ़ाइए। उन्होंने कहा तुम्हारे बाल सुअर की तरीके से उठे हुए खड़े हैं, इसमें से कल कमी करके आना और तेल डाल करके आना और तुम्हारे ये बटन जहाँ के था कोट के टूटे हुए पड़े, कल बटन लगा करके आना और ठीक तरीके से कॉलर बंद करके आना। पहला शिक्षण खत्म हो गया अध्यात्म का। ये भी क्या कह रहा था? सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम से अध्यात्म शुरू होता है, इसके बाद में शिव पर आता है, इसके बाद में सत्य पर चला जाता है। सीढ़ियाँ हैं, इसकी तीन पहली सीढ़ी है सुंदरम। बच्चों को सुंदर बनाना, सुंदर बनाने का मतलब सजावट करना नहीं, सफाई रखना। सौंदर्य का मतलब सजावट नहीं है, सौंदर्य का मतलब सजावट नहीं है। सुंदर लड़की है जेवर पहन लिया और लाइडल की साड़ी पहन ली और ऐसा पहन लिया, फिर लगा दिया और होटलों पर रंग लगा दिया, ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है सफाई। ये क्या है कि किसे कहते हैं सौंदर्य? सौंदर्य का केवल सफाई है, सौंदर्य का केवल सफाई है, सौंदर्य का केवल सफाई है। आपकी आंखों की सफाई, कान की सफाई, दांतों की सफाई, चमड़ी की सफाई, कपड़ों की सफाई, कपड़े के पहनने की सफाई अगर है तो आपकी सुंदरता पूर्ण हो गई। आपका मकान सफाई का है, उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए नहीं है, आपने स्वयं उठ करके उसको सफाई कर डाला, आपका मकान सुंदर है। आपकी किताबों पर जल्द आपने स्वयं बना ली और उसको ठीक तरीके से सजा करके दिया, कहाँ क्या क्या चीज रखी जानी चाहिए। अगर आपको ये मानता है तो सफाई हो गई, आप तो सौंदर्य के उपासक हो गए। बर्तन आपको कहाँ रखा जाना चाहिए? पानी पीने के बाद में बर्तन की जो जगह है वहीं रख दिया तो वो सफाई हो गई, और आपने झाका सा पड़ दिया उसका नाम पूरा हो गया। आपने अपना कोट खूंटी पर टांग दिया उसका नाम सफाई हो गई, और आपने कोट को मेज के ऊपर पटक दिया, कुर्सी के ऊपर पटक दिया, ये गंदगी हो गई। गंदगी का मादा, सफाई का मादा इस बात से टिका हुआ है कि आपके हर आदमी की वस्तु, हर आदमी की चीजें, हर आदमी की व्यवस्थाएं कहाँ चीज रखी जाती है। आपके बच्चे के लिए निशान होना चाहिए, चप्पल जब उसको उतारनी है तो उसी जगह उतारेगा, एक चप्पल वहाँ, एक चप्पल वहाँ, रहे वाली चप्पल कौन ले गया, रहे वाली चप्पल कौन ले गया, ये गलत तरीका है। अगर आप इस सी बात को, नाटी सी बात को अगर आपने छुट्टी दे दी तो आप फिर देखना वो फल कहाँ डाल देता है, किताबें कहाँ डाल देता है, रुपये कहाँ डाल देता है, नुकुट कहाँ डाल देता है, ऐसा पैसा सब बड़े होकर की जिंदगी चौपट हो जाएगी उसको। अगर आपने मैनेजमेंट और व्यवस्था नहीं सिखाई, आदमी को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसकी वस्तुएं कहाँ रखी जाती है, बर्तन कहाँ रखे जाते हैं, नमक कहाँ रखा जाता है, आटा कहाँ रखा जाता है, किताब कहाँ रखी जाती है, क्या चीज़ कहाँ रखी जाती है, यथास्थान जो चीज़ रखी है वो शोभावान होगी और सुंदर होगी। गंदगी से जद्दोजहद करने का नाम सफाई। जो आदमी गंदगी से डरेगा उसके यहाँ सफाई कभी नहीं रह सकती। गंदगी सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना, सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना, सफाई का मतलब गंदगी से लड़ाई लड़ना। पेशाब घर में और नालियों में अगर आप अपनी बाल्टी लेकर के और बुहारी लेकर के जा नहीं सकते, उस पर नाली में बुहारी नहीं ला सकते तो आपके कभी सफाई नहीं होगी। अरे सर नाली बड़ी गंदी है, गंदी है, हम नहीं जाते। अरे बाबा नहीं जाता तो पानी लग जाए उसको धो पहले। सफाई वास्तव का मतलब है गंदगी से लड़ाई लड़ना। बच्चों में ये मादा हमको पैदा करना चाहिए कि झाड़ू लगाने से लेकर के और अपने कपड़ों में साबुन लगाने तक, साबुन तो आए नहीं, धोबी तो आया नहीं, लाई तो आया नहीं, धोबी तो है नहीं, कपड़े कहाँ से साफ करेंगे। हर आदमी को
सफाई का शिक्षण आप स्वयं लीजिए, चाहे बड़े से बड़ा आदमी छोटे से छोटा आदमी हो, स्वयं सफाई करने के बारे में जानकार होना चाहिए। सब कपड़े धोने की जानकारी हर एक होनी चाहिए और कपड़ा रोज हरा दूध धोना चाहिए। मैं तो इसी का हिमायत हूँ कि भले से धोबी आता हो, बड़े कपड़े आप पेंटर को धुलवा लीजिए, पर रोजाना जिस चीज़ें हर आदमी खुद अपने आप ही धोनी चाहिए। ये नहीं कि माँ के ऊपर पटक गया और उसके ऊपर पटक गया। सफाई का विकास कैसे होगा, सफाई की उसकी कैसे विकास होगा? आपको अपने मकानों के भीतर रोजाना या महीने पर पीछे एक चूना चूना का एक कांसर ले आइए, एक छोटे डिब्बे में आप चूना रख लीजिए, एक कूची रख लीजिए और बच्चे को बुला लीजिए और एक सीढ़ी रख लीजिए और दीवार पर खोद डालिए, ताकि उसमें कीड़े और मकोड़े और मच्छर और मक्खियाँ दुनिया भर के हो जाते हैं, वो उसमें गंदगी पैदा न हो और आपकी सांस के साथ जो कीड़े चले जाते हैं, मक्खी चली जाती है, वो न हो। सफाई का वादा सिखाने के लिए बच्चों को शिक्षण करना चाहिए, बहुत कीमती शिक्षण है। बच्चों कल मैं आपको सिखा रहा था गांधी जी की बात को कह रहा था जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है और मेरा असली मंत्र वही है। कौन सा वाला? समय का विभाजन, क्रिया का विभाजन, वस्तुओं का विभाजन। और जैसे मैंने कल कहा था आपको कि मैं गांधी बनने के लिए गया था, गांधी बनने के लिए गया था, मेरे 13 वर्ष की उम्र में यह तमन्ना हुई कि मैं गांधी बनूं, तो मेरी गांधी की मनोकामना पूरी नहीं हो गई मेरी मनोकामना पूरी। आप सही मानना, मेरी गांधी बनने की मनोकामना पूरी हो गई। एक काम में इतने व्यस्त हो जाइए और ऐसे मस्त हो जाइए कि ये मालूम पड़ा काम के अलावा इस काम के लिए जो कुछ भी है दूसरा काम है नहीं। ये बच्चों का अंदर स्वभाव पैदा कीजिए और ये मित्रों जादू है, ये जिंदगी की उन्नति के रहस्य हैं। सरस्वती का इसका मंत्र की शुद्धि करना रहस्य नहीं है, रहस्य ये है कि हमको अपने काम में के साथ में तरना होने का गुण अपने बच्चों में पैदा करना चाहिए। बच्चों में पैदा करने के लिए हमको स्वयं करना चाहिए, हमारे अभिभावक। और ये काम नहीं कर रहे होंगे, उनका सारे का सारा काम ढीला पोला यहाँ पढ़ लिया, वहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, ये वही फोहड़े जिनको कहते हैं उनको मैं चुड़ैल कहता हूँ। चुड़ैल और फोहड़ों में क्या फर्क है? चुड़ैल और फोहड़े की होती है, चुड़ैल वो होती है जो मंडे के बाद में पकड़ लेती है, मार डालती है, काट पाती है, और फोहड़ कौन होती है? वही होती है चुड़ैल। चुड़ैल मंडे के बाद में कोई और चुड़ैल हो जाती है हमें नहीं मालूम है, पर जिंदा रहने पर चुड़ैल जरूर होती है। कौन सी वाली? सारा सामान रस जैसा पड़ा हुआ है, सारी गंदगी पड़ी हुई है, न कभी पेशाब घर में पानी डालती है, कमकमाहट न उसमें से चौके में बर्तन पर मार देती है, मसल मार देती है, पर जो नाली है, नाली में जिसमें वो सब आटा जमता हुआ चला जाता है और आटे में से गिरा रहे हैं, कीड़े पड़ते चले जाते हैं और सड़क करके वो आटे तक आ जाते हैं, चौके तक आ जाते हैं। गंदगी से लड़ना ही नहीं सीखा। गंदगी से लड़ने की शिक्षा ये मतलब आध्यात्मिकता में पढ़ाऊंगा आपको, मेरे ये क्या आध्यात्मिकता पढ़ाते हैं आप, तो वो बताइए मंत्र कौन सा? संतोषी माता का मंत्र, बेटा ये संतोषी माता का मंत्र। और मैं क्या संतोषी माता का मंत्र बताऊंगा? नहीं साहब, कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसे जादू बताइए, ऐसा ताबीज बताइए, मेरे बच्चे के सिर पर हाथ फेर दीजिए, जादू फूंक दीजिए बच्चा, ऐसा पागल आदमी है, मैं क्या जादू फूंकूं? जादू कोई दुनिया में नहीं है, जादू यही है कि हर आदमी ने जिंदगी को ढूंढ से और व्यवस्था से और अपना काम करना सीखा है और जिंदगी क्रियाकलाप को अपने ढंग से इस्तेमाल करना सीखा है। जादू यही है और कोई जादू नहीं है दुनिया में। इसलिए मित्रों क्या करना पड़ेगा? उनको अपने बालकों के भीतर ये विशेषता पैदा करनी पड़ेगी कि वो मुस्तैद अपने हर काम को ठीक तरीके से संभालें, कि माँ बाप ये उनको सिखाएं, गंदगी से लड़ना सिखाएं, गंदगी से लड़ना सिखाएं, मैले कपड़े को धोना सिखाएं, दांतों को मारना सिखाएं, नाली में पानी डालना सिखाएं, पेशाब घर को धोना सिखाएं। शक्ति के भीतर घुमन नहीं आई, मेहतरानी नहीं आई, मेहतरानी आए उसके खुद हमको घर वालों को करना चाहिए और जो उसमें कमी रह गई वो पूरी करनी चाहिए, ताकि हमारा घर, ताकि हमारा शौचालय, हमारा पखाना चौके के बराबर शुद्ध पर दिखाई पड़े। गांधी जी ने हमको पहले तो यही सिखाया था कि हमारा चौके में और टक्की घर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और चौके में अगर बदबू हमको ना पसंद है तो हमको टक्की में भी बदबू ना पसंद होनी चाहिए। ये क्या है? ये जीवन की उन्नति के मार्ग है, ये वो मार्ग है इन छोटे छोटे संस्कारों को ये विकसित करता हुआ आदमी दूसरे गुण और दूसरे अच्छे कामों और जिम्मेदारियों पर सवार होता है। यही छोटे गुण उसके अंदर उन बड़े कामों में जाकर के ज्यादा से ज्यादा उन्नति के माध्यम बन जाते हैं, उन्नति के आधार बन जाते हैं। ऐसे ही बच्चे जिन्होंने मुस्तैदी से छोटे छोटे काम करना सीखा, मुस्तैदी से खेल खेलना सीखा, मुस्तैदी से जिंदा बनाना सीखा, मुस्तैदी से अमुक काम करना सीखा, यही बच्चे एमए हो जाते हैं, फर्स्ट डिवीजन आते हैं और वर्ल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। अकल आदमी की बेहतरी है तो नहीं, ये हम नहीं कह सकते किस आदमी की अकल जनजात रूप से अच्छी है कि नहीं अच्छी है, लेकिन हमको कालिदास का उदाहरण मालूम है जो कम पढ़ा हुआ था लेकिन अपनी मुस्तैदी और काम करने की मेहनत इन दोनों को मिला देने के बाद में भगवान ने इसकी अकल कम दी थी, उसने भी उन्नति कर ली। उन्नतिशील आदमी वही हुए हैं। उन्नति का मंत्र यही है, उन्नति की निशान यही है कि आप अपने बच्चों को सफाई पसंद बनाइए और व्यवस्था करने वाला बनाइए, कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत मत डालिए, अधूरा छोड़ने का काम मत डालिए, अधूरा छोड़ने का काम बहुत बढ़िया
अधूरा काम छोड़ने की आदत बहुत बुरी है, अधूरा काम छोड़ने की आदत बहुत बुरी है। काम करना है कागज यहाँ से उठे लेकर के यहाँ पटक दिया वहाँ डाल दिया, तो ये क्या करते कहा पूरा कर दूसरा चीज को यहाँ पर तरफ कर जो था कपड़ा आपको उठाना है किताब उठाने कापियां डाल दिए पेंसिल डाल दिए उठने से पहले जो मैं पहले काम बंद कर दो कापी कापी की जगह पर रखो किस चीज की जगह पर रखो पेंसिल पेंसिल की जगह पर रखो हर चीज को डाक करके शासन लगकर के साथ सत्याश में कर कौन ले गया हमारी पेंसिल कौन ले गया हमारा कागज कौन ले गया हमारी चप्पल कौन ले गया हमारा जूता ये नहीं करना पड़े हर चीज को व्यवस्था के आधार पर आप सिखाएंगे तो मैं ये कहता हूँ बच्चों की आप उन्नति का द्वार खोल देंगे और यही छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनसे राष्ट्र कष्टवान बनते हैं यही छोटी छोटी क्रिया है जिससे कि आदमी विकासमान बनते हैं यही छोटे छोटे आधार हैं ये छोटे छोटे बीज हैं जिससे अंदर मनुष्यों के अंदर व्यक्तित्व विकसित होता हुआ चला जाता है बच्चों में थोड़े से गुण और संस्कार और भी आपको पैदा करने चाहिए। पहला गुण और संस्कार वो है कि हमको हर एक आदमी के साथ में नम्रता के साथ भलमन साथ के साथ और शराफत के साथ पेश आना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। बच्चों को किस तरीके से सिखाएं हमको भी नम्र शब्दों को बोलना चाहिए और शालीन शब्दों को बोलना चाहिए और बच्चों को भी ऐसे शिक्षण करना चाहिए ताकि बच्चे भी नम्रता और सज्जनता और शराफत के साथ बोलना सीखें। उत्तेजना और आवेश है गवारपन की निशानी है। गवारपन की निशानी क्या है कि बात बात में गर्म हो जाता है और बातों में गुस्सा ले जाता है और कांपने लगता है और इस तरीके से बागू हो जाता है ये क्या है ये असभ्यता की निशानी है। असभ्यता पैदा न हो जाए इसके लिए उसको शालीनता छोटी उम्र का से आपको सिखानी पड़ेगी तो दूसरों के साथ नम्र कैसे रहना चाहिए और दूसरों के साथ में सज्जन कैसे रहना चाहिए और दूसरों के साथ में व्यवहार करना चाहिए और कैसे मिठास भरा हुआ व्यवहार करना चाहिए ये आपको पहले दिन से सिखाई है। बच्चों को दूसरों के साथ दूसरों की इज्जत करना हमको वहां से आता है जहां से हमको बोलचाल में शराफत हमारे होती है। बोलचाल में शराफत मैंने शायद आपको बताया भी था फरोजाबाद में एक बनासदास चक्रवर्ती नाम करके बड़े साहित्यकार हैं अभी भी हैं पार्लियामेंट के मेंबर होकर के चुके हैं और वो मिसाल भारत वगैरह के संपादक मिले हैं उनके मिलने वाले थे प्रताप अखबार के संपादक मारकृष्ण शर्मा नवीन उनके घर पर आए वैसे नवीन उन दिनों वहाँ बैठा हुआ था उनका छोटा वाला एक बच्चा आया इनका बनासदास जी का कोता था बच्चा कोता था हर बार उनको कुत्ता पालते हैं सारा करें मंदर जी बैठे तो वो बालकृष्ण जी कहते हैं बच्चा क्या कह रहा है पंडित जी इसको बताइए कि इन्हों कह रहा है मन्नर जी बैठे हुए हैं। मन्नर जी क्या बंदर को तो ये मन्नर कहता है बंदर को उतार नहीं आता छोटा बच्चा है इसलिए बंदर को मन्नर कहता है। अच्छा फिर वो कहता है मन्नर जी बैठे हुए जी और लगाता है उसके आगे क्यों जी क्यों लगाता है बंदर को अला बंदर क्यों नहीं कहता ऐसा क्यों नहीं कहता कि नहीं हमने इस बच्चे को प्रारंभिक दिन से ये सिखाया है जो अपने से बड़े हों या छोटे हों हरेक के सम्मान सूचक शब्दों में बोलना चाहिए उसको जी कह के बोलना चाहिए। इसलिए ये सिखाया गया है कि बंदर बैठा हो तो बंदर नहीं कहना चाहिए बंदर जी कहना चाहिए। तो ये बंदर जी कह के बोलता है जो कह रहा है बंदर जी बैठे हैं बंदर बैठा है नहीं कह रहा है ना बल्कि बंदर जी बैठे हैं ये कह रहा है सम्मान बोधक और सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रहा है। इस सम्मान बोधक और सम्मान सूचक शब्दों में जो नम्रता जुड़ी हुई है जो सज्जनता जुड़ी हुई है और शराफत जुड़ी हुई है ये हरेक को बोलना चाहिए और उसके माँ बाप को उसको बच्चे को सिखाना चाहिए। जी स्कूल आप गए कि नहीं गए आप कह रहा सिखाइए तू गया था कि नहीं वो कह रहा बाप से अच्छा तू बाजार गया था कि नहीं गया था चाचा वो तू कह रहा सो नहीं कह रहा जब तू कह रहा रमेश को तू रमेश तू आज स्कूल गया था कि नहीं गया था तो वो कह रहा अच्छा तू अपने दफ्तर गया था कि नहीं गया था तू कहना ही चाहिए आपने सिखाया तू की आवाज है वो तो कह रहा ही क्या करना पड़ेगा बच्चों नम्रता की सज्जनता की शिक्षा बड़ों को नमस्कार करने की शिक्षा अभिवादन करने की शिक्षा प्रणाम करने की शिक्षा अर्थात इज्जत करने की शिक्षा हमको इज्जत करनी चाहिए हरेक की माँ बाप की भी इज्जत करनी चाहिए हरेक की इज्जत करनी चाहिए। इंसान को इंसान की इज्जत करना ये मनुष्यता का प्राथमिक चिन्ह है। आपको मालूम नहीं है डाकुओं को फांसी दी जाती है वहां भी जो फांसी लगाने वाले जाते हैं जल्लाद से लेकर के और हिंदू से मैसेक तक वो भी काला गाउन पहन करके जाते हैं काली पट्टी बांध करके जाते हैं क्योंकि इंसान को मारा जा रहा है फांसी दी जा रही है लेकिन इंसानियत की इज्जत की जा रही है आदमी की इज्जत की जा रही है। आपको गुस्सा हो जाना और गर्म हो जाना और लड़मना और टपक मारना और मटे मारना और अपनी बहन को मार लेना और काट खाना जैसे पहले दिन हो उसी हाँ बेटा ये क्या था ये तो बहन तो कैसी बड़ी होती है बहन तो कैसी प्यारी होती है बहन को काटता हाँ हाँ ये क्या कर दिया माफी मांग लेते हैं माफी मांग हाथ धो
बहन जी अब आपके बाल कभी नहीं उखाड़ूंगा और आपको गाली कभी नहीं दूंगा। माफी मैम, गीता तो बहन है, बहन कैसी बड़ी होती है, बहन कैसी प्यारी होती है, भैया बहन कैसे अच्छे होते हैं, बहन भाई में कितना प्यार होता है। अगर हम चाहे अपना खराब कीजिए और बहन को उसने चपत्सर में मार दिया, आप उसको ध्यान किए कि हमने बहुत गलती कर डाली और ये गलती मत होने दीजिए। अगर वो बहन को मारना सीख गया, छोटे भाई को बड़े भाई को मारना सीख गया, बहन भाई लड़ना सीख गए, तो अपने बाप से लड़े बिना नहीं रह सकते, वो बाप के बराबर का हो जाएगा। अब तो वो छोटे बच्चे बराबर के हैं, इसीलिए थोड़े छोटे बच्चों में लड़ाई होती है और फिर वो भी बाप के बराबर का हो जाएगा। 5 फुट 3 इंच का बाप है और 5 फुट 4 इंच का बेटा है, अब दोनों बराबर हो गए नहीं होंगे, हो गए। अब लड़ने में क्या कम तो क्यों कमी करनी चाहिए, अब किस बात की कमी रहेगी, लंबाई बराबर है, वजन बराबर है, ऊंचाई बराबर है। बल्कि सही बात यह है कि वो पढ़ा और भी ज्यादा है, बाप तो मैट्रिक पढ़ा था और उसने तो इंटरमीडिएट पास कर लिया है, अब तो वो बड़ा हो गया ना, क्यों लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, लड़ना चाहिए उसको। और बाप की गाल में चपत मारनी चाहिए, जब भाई की गाल में चपत मार सकता था तो बाप की गाल में चपत मारने में क्या हर्ज है, वो तो सब एक इंसान, इंसान सब एक से। इसलिए करना क्या पड़ेगा कि हमको इन बच्चों पर सारे का सारा ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। अगर आप घर की शांति को रखना चाहते हैं और भाई भाइयों में बड़े होने के बाद में बंटवारा ना हो जाए और ये अलग दुकान लेकर के चल नहीं बैठे और अलग लेकर के न बैठे और भाई भाइयों की मोहब्बत खत्म हो जाए, तो ये सिखाना उस समय काफी नहीं है जबकि बच्चे बड़े हो गए और उनकी बीवियां आ गई और जब अलग हो रहे हैं। ये बात आपको वहां से सिखानी चाहिए थी, कहां से, जब वो भाई को मारने लगा था, बहन को मारने लगा था, उसी दिन से सिखाना चाहिए था। राम भक्त की कहानी सुनानी चाहिए थी आपको, राम और भक्त किस मोहब्बत से रहते थे और किस तरह से रहते थे। अरे रमेश तू तो देख के कितना बड़ा है, तू तो 6 वर्ष का है और ये उमेश तो 4 वर्ष का है, बेटा छोटा भाई कितना प्यारा होता है, छोटे भाइयों को प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, तू छोटे भाई को प्यार नहीं करता, तू कैसा लड़का है, अच्छे लड़के तो छोटे भाइयों को प्यार करते हैं, छोटे भाइयों को गोदी में ले आते हैं। उनको बड़े वाले बच्चे को जब को 9वें दर्जे का हो जाए, 8वें दर्जे में हो जाए, तो छोटी वाली बहन को पढ़ाना सिखाइए। बेटा तो छोटी बहन को तो पढ़ाना ही चाहिए, और देखिए जो मुन्नी है, ये मुन्नी को भी पढ़ना नहीं आता, देख इसको तू गिनती बैठ के सिखा, गिनती बैठ के सिखा। हाँ बेटा तुझे पढ़ानी चाहिए, तू पढ़ गया तो अपनी बहन को भी नहीं पढ़ाएगा तो किसे पढ़ाएगा। बहन को पढ़ाने का उनको सिखाना चाहिए और किसी को पढ़ा हो जाए, बहन को लग जाए, बेटा देख तेरी छोटी बहन है, इसको जरा पट्टी संभाल, देख इसको ये हो गया, ये तो कर, देख इसका ये तो कर, छोटी बहन है इसको गोदी में तो उठा ले, ये तो कर ले, उसको पहले दिन से सिखाइए। अगर आपने उसको काम नहीं करने दिया है और मशक्कत नहीं करने दी है और एक बार की पानी नहीं लाने दिया, घर की झाड़ू नहीं लगाने दी है, तो आप मेरे साथ, हम तो बड़े आदमी हैं, नौकर है हमारे घर में, और नौकर सब काम करेगा, नौकर के बदले के लिए आप क्या काम करेंगे, नौकर है हमारे घर में, खाना कौन खाएगा, कौन पिएगा दूध, नौकर पिएगा दूध, तो नौकर पिएगा मजबूत हो जाएंगे, और क्या काम करेगा नौकर, नौकर पढ़ने कौन जाएगा स्कूल, नौकर जाएगा, नौकर क्यों पढ़ने जाएगा, जी सर हम बड़े आदमी हैं और हम तो करेंगे, नौकर पढ़ेगा, हाँ ये बेटा तू पढ़ जा बी ए के स्कूल में, हमारे कुमार साहब जहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़ के आ गया, हाँ हाँ सर पढ़ के आ गया, सब आपके बदले का पढ़ के आ गया, पढ़ के आ जाएगा, खाना खा करके आपके बच्चे का फायदा हो जाएगा, और आपको बी ए पढ़ेगा वो नौकर तो आप काम हो जाएगा, नहीं सब लोग काम नौकर करता है, सब काम नौकर करता है धूल। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।